नारियल और केला इस इलाके का मुख्य जीवन आधार है। यहाँ नारियल और केले पर पूरी इकोनॉमी है, पूरा जीवन यहाँ आधारित है। ये कमल के फूल का पत्तलाव, यहाँ अधिकतर मंदिरों में कमल के फूल अर्पित किए जाते हैं। लाल कमल यहाँ ज़्यादा पैदा होता है, रक्त कमल, क्योंकि बहुत कम लोगों, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और यहाँ के लोगों के बारे में मुझे पूरी करना भी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ प्रकृति ने भरपूर दोनों हाथों से सुंदरता लुटाई है। यहाँ पर चर्च बहुत हैं, ईसाई समुदाय के लोग बहुत हैं, और यहाँ के हिंदू जो है उत्तर भारत की मूल धारा से कटे हुए होने के बाद भी बड़ी सुदृढ़ता से मंदिरों के द्वारा जुड़े हैं। यहाँ आके मुझे पता लगा कि मंदिर वास्तव में ज़रूरी हैं, क्योंकि जो लोग ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद और गहरे ज्ञान को नहीं जानते, वो प्रतीकात्मक रूप से मंदिरों और पुस्तकों के द्वारा कम से कम हिंदू धर्म से जुड़े हैं, अन्यथा उनको तोड़ने में देर नहीं लगेगी। ये कन्याकुमारी की ओर जाता हुआ रास्ता, इस गांव का नाम क्या है? कुट्टारम गांव है ये। ये मेरा ड्राइवर है, मेरा शिष्य भी है। ये पहला शिष्य है जिसने रेत से दीक्षा ली है, सैंड ऑथ। देखिए एक चर्च है, यहाँ चर्च बहुत मिलेंगे। यहाँ पर हर गांव में चर्च है। ये उनका चर्च स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, स्कूल और अस्पताल के माध्यम से ईसाईकरण करने में बहुत आसानी हो जाती है। हमें ईसाईकरण से नफरत नहीं, हमें इससे नफरत है कि देश के प्रति वो प्रेम और वो सम्मान चला जाता है धर्म बदलने से। ये भी ईसाइयों का ही अस्पताल है। ये एक सुंदर सा कॉटेज है। ये परिजात के वृक्ष, ये नारियल, वो नारियल। अब अगले वीडियो में